कुबेर का खजाना। कोई आप बता सकता है कुबेर का खजाना क्या होता है? कोई बता सकता है कुबेर का खजाना क्या होता है? एनीबॉडी? जो कभी खत्म एक बार जरूर पाएंगे, जो कभी खत्म नहीं होता है। दो तरह खजाना होता है, एक खजाना वो होता है जिसको आप यूज करते रहेंगे, निकालते रहेंगे तो कम होता है ना, एक दिन खत्म भी हो सकता है। लेकिन कुबेर का खजाना की खास बात यह है कि उससे जितना आप निकालेंगे उतना ही वापस भर जाएगा। ये उसकी खास बात है, जितना निकालेंगे उतना ही वापस भर जाएगा। और इसीलिए कुबेर का खजाना कभी खाली, और वही खजाना अगले 5 साल में आज से बिजनेस आपको देने वाला है। कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठा, बोलो इधर। कितने लोगों को चाहिए? बोलो इधर। तो वो कुबेर का खजाना का नाम है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कुबेर का खजाना है। दो तरह की इनकम हमारे जीवन होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जिसमें आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पैसिव इनकम वो है जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं, टाइम आपके लिए काम करता है, पैसा आपके लिए काम करता है। जब पैसा, टाइम और लोग आपके लिए काम करना चालू करते हैं तो समझ लो कुबेर का खजाना तभी आ सकता है, और वो चीज आपको आज से अगले 5 साल में देने वाला है। तैयार है मेरे लिए? तो देखिए, मेरा नाम है संजीव गोयनका, मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रहता हूँ, और आज से करीबन 20 साल पहले मैंने आज से बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने कभी इस तरह का बिजनेस किया नहीं, और सच बताऊं तो इस तरह के बिजनेस से मुझे घृणा थी। मुझे लगता था कि इस तरह का बिजनेस जो है वो बेकार लोग करते हैं, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये मेरी सोच थी। ठीक है, और सच बताऊं ये बिजनेस मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरे जीजा जी ने मुझे आशिम में जबरदस्ती जबरदस्ती जेल करवाया, उनको भी किसी ने जबरदस्ती जेल करवा दिया। बोले अंकल कोई काम नहीं करना है, दो लोग को जोड़ना है, और उनको 2 की थमा दी। जिस दिन वो घर पहुंचे जो लोग, सहयोग से मैं उसी दिन किसी काम से उनके घर गया हुआ था, घर में दूसरे देखा मैं बैठा हुआ हूँ, उनकी आंखें चमक गई, बोले महिला मिल गया है। और उन्होंने मुझे, मेरे पास आए ना, और ना कंपनी का नाम बताया ना प्लान बताया, मानो जाओ क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम था। वो सीधा फॉर्म निकाले मेरे सामने रखे और मुझे आदेश दिया, ऑर्डर दिया, बोले चल साले साइन कर, और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को। और सच बताऊं, बता दो आज भी यहाँ पर बहुत सारे साले फंसे हुए। तो देखिए, आपसे बिजनेस में करीबन 2.5 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि एक भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आया, क्योंकि आपसे का सिद्धांत है कि आपसे बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता है, जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से बिजनेस करता है। तो अगर आज आप यहां पर आ चुके हैं तो माध्यम कोई भी बनाओ, लेकिन मर्जी किसकी है? ऊपर वाला क्या करता है? परिस्थिति बनाता है, साक्षात प्रकट नहीं होता है। बोल बस तुझे क्या चाहिए। आप बोलेंगे भगवान मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे भगवान, वो बोलेगा तथास्तु। तो वो ऊपर वाला कभी साक्षात प्रकट नहीं होता, वो क्या कहता है? आपके लिए परिस्थिति, सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और उस सिचुएशन में आपको डाल देगा। तो आज आप यहाँ पहुंचे हैं, मतलब क्या? उसने परिस्थिति प्लान की और आपको इसमें समझा। अब इसके लिए हाँ बोलना, नहीं बोलना, लेना, नहीं लेना आपके हाथ में। वो आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, इसलिए इस सिचुएशन में आपको डाल दिया है। अब लेना, नहीं लेना आपके हाथ। लेना चाहिए, यस लेना चाहिए। तो मैंने भी जीजा जी का सम्मान करने के लिए फॉर्म भर दिया, उन्होंने मेरे हाथ में किट थमा दी। किट लेके मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के कोने में कहीं छिपा कर किया ताकि मुझे कभी नजर नहीं आए। ठीक है, और अब मैं आशिम को भूल गया। करीबन 4-5 महीने तक मैंने आशिम में कोई काम नहीं किया, और न करना था। लेकिन 4-5 महीने बाद दिवाली के टाइम पर वो घर में सफाई के वक्त में वो किट बाहर निकल आई, तो मैंने कभी देखा ही नहीं था उसके अंदर है क्या। खोल के देखा उसके अंदर 3 पैंट 3 शर्ट। मैंने देखा यार जो समाज में है किसी को दे जाकर गरीब आदमी को देकर सरकार दे, इसी उद्देश्य से खोला और वो मेरा प्लान था। लेकिन इसमें कागज निकला पेपर जिसमें आंसू का प्लान लिखा हुआ था, स्लैब लिखी हुई थी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता पूरा लिखा हुआ था। उस जमाने में हमारे पास एकमात्र वही एक टूल्स हुआ करते थे, बाकी कोई टूल्स होते नहीं थे। ब्लैक एंड व्हाइट बोली तो वो बहुत सारा लिखा हुआ था और अंत में एक लाइन लिखी हुई थी कि जो पौधे पेड़ की छाया में पलते हैं वो कभी पेड़ नहीं बन सकते। जो पौधे पेड़ की छाया में पलते हैं वो कभी पेड़, और जो पौधे हर गर्मी, हर सर्दी, हर बारिश, हर आंधी तूफान को करते हैं वही सबसे बड़ा पेड़, वही सबसे बड़ा वृक्ष बनकर तैयार है। तो मैं बोला बात तो कम है, बिजनेसमैन हूं तो मैंने रिसर्च किया पूरे इस इंडस्ट्री के बारे में, ना पूरा कंप्यूटर में पूरा डेटा कलेक्शन किया, इंफॉर्मेशन कलेक्शन की कि दुनिया में कहाँ कहाँ चली है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितने लोग हैं, क्या टर्नओवर है, क्या इसका फ्यूचर है, पूरा डेटा निकाला। इंडिया में आने वाले 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल में इसका क्या फ्यूचर होगा, पूरा डेटा एनालिसिस किया और जो डेटा रिपोर्ट आई मेरे पास में आई उसको देखकर मेरा होश उड़ गया। जिस बिजनेस को मैं घटिया समझता था, जिस बिजनेस को मैं घृणा करता था, मुझे उसी दिन मालूम पड़ गया कि आने वाले भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें नंबर 1 पे होगा विश्वास है। और वैसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। अभी आज से लगातार वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत 10-10, 20-30 रैंक इंप्रूव कर रही है और आने वाले समय में ये नंबर 1 को पहुंचेगी। और तो मैंने जब शुरुआत की तो उस वक्त पूरे भारत में तो 5 लाख लोग ज्वाइन थे, आज करीबन 2.5 करोड़ लोग ज्वाइन थे। अगर मैं नो बोलता तो ये 2.5 करोड़ लोग ज्वाइन करते कि नहीं करते, करते ना। मैं नो बोले इसको सर पड़ता नो, लेकिन मैंने किसी ने यस, उसका नतीजा क्या हुआ, आज 2.5 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोग मेरी टीम में शामिल हैं और मैं कामयाब हो गया। अकेले उड़ीसा में करीब 5 लाख लोग, एक व्यक्ति शुरुआत की थी, आज अकेले 4-5 लाख लोग केवल उड़ीसा में है। सोच के देखिए कितना बड़ा बिजनेस संस्थाएं आप खड़ा कर सकते हैं एक व्यक्ति के माध्यम से। तो मैंने शुरुआत की और मुझे इसमें एक ही चीज अच्छा लगा, मैंने इस बिजनेस को पैसे के लिए नहीं किया, मुझे इसमें जो दिखाई दिया कि इस बिजनेस के माध्यम से हम देश, समाज और भारत के लाखों करोड़ लोगों का जीवन बदल सकते हैं ना, उसके बाजार को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगा यार हम लोग किसी को भूखे लोग खाना खिला देते हैं तो क्या होता है, एक व्यक्ति भूख मिलती है क्या उसकी जिंदगी बदलती है। हम किसी को थोड़ा पैसा देकर दान दान करते हैं क्या होता है, उसका एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है एक वक्त का, लेकिन क्या उसका जीवन बदलता है, नो। तो मुझे लगा कि ऐसे काम से पुण्य नहीं मिल सकता। पुण्य कब मिलेगा, जब हम किसी को दान देकर उसको भिखारी नहीं और बल्कि उसको अपने पैरा कोड़े को खड़ा होकर व्यापारी बनाएंगे, तब जाके हमें पुण्य मिलेगा। तो इस बिजनेस के माध्यम से आप लाखों में करोड़ों लोगों को जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, करना चाहिए, yes. करना चाहिए, yes. दूसरा मुझे लगा कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के मालिक बहुत अच्छे हैं, कंपनी के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, नए भारत का निर्माण, आर्थिक आजादी का अभियान, स्वस्थ स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा, हरित क्रांति, महिला सशक्तिकरण, ऐसे कितने सारे उद्देश्य हैं जो अपने आप में महान है, मुझे लगा करना चाहिए। लेकिन जब उतरा मकान में कुछ नहीं था, न डीपो, न ऑफिस, न प्रोडक्ट, न कोई सेमिनार, न कोई ट्रेनिंग, न एजुकेशन टूल्स, न कोई ऑडियो, न कोई वीडियो, न कोई व्हाट्सएप, न फेसबुक, न यूट्यूब, न कोई समझाने वाला, न कोई बताने वाला। मांग ले जाओ बिगड़ जाकर। अगर ऐसी परिस्थिति में आपको बताता तो हाँ बोलते कि ना बोलते, ना बोलते। लेकिन मुझे लगा कंपनी अच्छी है, कंपनी का उद्देश्य अच्छा है और इससे देश का भविष्य बहुत अच्छा है, तो एक बार मुझे बहुत पीड़ा होगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन वक्त आएगा कि हरे कृष्णा हरे हरे आरसी बिजनेस घरे बैठे। पता नहीं आजकल मुझे नींद नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है, दिन में भी चैन नहीं मिलता है, रात को भी चैन नहीं मिलता है। अब ऐसा मत समझना कि मुझे कोई प्यार मोहब्बत पूछो क्यों? क्योंकि जब तक आप सब लोग की रॉयल्टी टेक्निकल स्टार भी नहीं आएगा तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी, तब तक मुझे नहीं मिलेगा। 2000 साल में आश्रम की स्थापना हुई, इन द ईयर 2000, ठीक है। और आज कितना है? 2023। कितने साल हो गए? 23 साल। इस 23 साल में आश्रम का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जमीन और आसमान का अंतर है, हेवन एंड हेवन डिफरेंस है। और हर 5 साल में आश्रम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा परिवर्तन होता है, एवरीथिंग। हर 5 साल में नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट, नई क्वालिटी, नई रेंज, नई पैकिंग, हर कुछ नया हो जाता है, बिजनेस और इजी होता है। तो इसके 5-5 साल के फेज है। पहला फेज 2005 तक, दूसरा 2010, तीसरा 2015, चौथा 2020 और पांचवा और भी कौन सा चल रहा है? 23। कितने साल बाकी है? 2 साल। मैंने कब ज्वाइन किया? पहला फेज में 2003 में फर्स्ट फेज में ज्वाइन किया। उस जमाने में क्या था? एवरीथिंग वाज मैनुअल, ना ऑनलाइन सिस्टम था, ना ऑनलाइन ट्रांसफर था, कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। हमारे जमाने में है ना इंटरनेट कौन सा था? 1G से भी नीचे वाला, है ना। यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, प्रोडक्ट नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतने सारे डिपो, इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे सेंटर नहीं थे, कुछ नहीं था, ठीक है। सब कुछ मैनुअल था। उस जमाने में एक ज्वाइनिंग किट आती थी, उसके अंदर एक फॉर्म निकलता था, उस फॉर्म की वैल्यू थी, फॉर्म के साथ में आपका आईडी कार्ड साथ में अटैच था और उसमें जो नंबर लिखा हुआ वही आपका आईडी नंबर है। उस फॉर्म को मैनुअली फिल करके हमें कंपनी में भेजना पड़ता था। तो हम लोग क्या करते, पूरे महीने जमा करते फॉर्म। मुझे याद है हर महीने में 1 तारीख को यहां पर आता स्पेशली केवल फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। मैंने कई महीने पहले ये किया, हर महीने आता फॉर्म कलेक्शन करके, जितना फॉर्म ज्वाइनिंग हुआ पूरे महीने में वो लेके मैं कलकत्ता जाता, वहां से कोरियर करता। कई महीने ऐसा चला, बाद में लोग सीख गए, ठीक है। यहां से डायरेक्ट कोरियर करने लगे। पहले में शुरू में बहुत सारी मिस्टेक होती है, तो मैं धीरे धीरे चेक करके भेजता था। तो हम लोग बंगाल से, कलकत्ता से मैंने 1-1 टेम्पो कोरियर किया हुआ है, इतने फॉर्म आए। तो पूरे मैंने फॉर्म जमा किए, 1 तारीख से भेजना चालू किया। वहां पहुंचा 7 दिन बाद भिलवाड़ा पर, ठीक है। अब वहां पर कंपनी के स्टाफ बैठे हुए पूरे इंडिया से जो फॉर्म आ रहे हैं उसको मैन्युअली कंप्यूटर में फीड करते थे, पूरा डेटा, एक डेटा पूरा फीड करते थे और तब जाकर वो बिजनेस हमें वहां दिखाई देता। उसके पहले हमें बिजनेस कितना पता ही नहीं होता था, खाली कितने फॉर्म भेजे उससे अंदाजा होगा कि इतना का बिजनेस हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अब जाकर बिजनेस दिखाई दे रहा हमें 2000 मतलब 10 तारीख 12 तारीख के बाद में बिजनेस दिखाई देना चालू होता। उसके बाद उस बिजनेस में इतने मिस्टेक होते थे कि उसको करेक्शन करते 25-26 तारीख तक बिजनेस फाइनल होता था। और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट बनकर अमाउंट क्या ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं बैंक में, है ना। उसमें पूरा मैनुअल था, बाई चेक फिलअप करके, बाई चेक के द्वारा वो स्टेटमेंट प्रिंट करके डायरेक्ट कोरियर से घर घर में चेक भेज जाते, ठीक है। 7 दिन और लगा, है ना, मतलब अगले 7-10 दिन तक टीसीजी केवल साइन ही करते रहते थे। सात दिन और लगा, चेक पहुंचा। अब चेक दूसरे स्टेट का है, बैंक में जमा किया तो 7 दिन और लगता था क्लियरिंग में, आउटसोर्स चेक का 7 दिन लगता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था 2.5 महीने का। कितने महीने का अभी यह सुनो 2.5 महीने का प्रोसेस अभी 2 मिनट 2.5 मिनट में आ गया। यह सुनो 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड आ गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और हर 5 साल में परिस्थितियां बदलती है। बिजनेस इजी 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 तो ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो 5वां जो फेज चल रहा है अगले 2 साल बाद कंप्लीट होगा 2025 में। उसमें एक नई परिस्थिति पैदा होगी। जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? वो कैसी परिस्थिति होगी जानना चाहेंगे? एक नया व्यक्ति 1 तारीख को आज से ज्वाइन करेगा। 30 तारीख को रॉयल्टी शुरू होगा। विश्वास है? और इतना ही नहीं 6वां जोन जो चालू होगा 6वां जोन 2026 से 2030 आते आते आज में एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि एक नया व्यक्ति सुबह ज्वाइन करेगा शाम को रॉयल्टी चीज होगा। विश्वास है? विश्वास है? कुछ लोग तो सर मोरो 5 बच्चों हो ही गए सर मोरो तो टिक्का हो गए सर कुछ लोग सोचते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को डाउट है सर 5 साल में विजय सर रॉयल्टी नहीं 1 दिन में रॉयल्टी सर पच नहीं रहा है सर। लेकिन मैं आपको बता दूं आज से में ऐसा वक्त आपके जा चुका है। 2008 से लेकर 2010 में आज से में एक ऐसा वक्त आया था जब लोगों ने 1-1 महीने में नहीं 1-1 दिन में रॉयल्टी कर। जब आज से मैं इंश्योरेंस लॉन्च हुआ इंश्योरेंस बजाज इंश्योरेंस से टाइप हुआ था। इंश्योरेंस लॉन्च हुआ था यूनिट का 100% पीवी और उसके साथ में एक प्लान और लॉन्च हुआ था। लोगों ने 1-1 दिन में 5-5 लाख का प्रीमियम उठा कर रॉयल्टी ले ली। 2 दिन में 7 दिन में 1-1 महीने में लेने वाली संख्या बहुत ज्यादा थी। किसका 1 लाख में ऑलरेडी 3.5 लाख का 2 लाख में 15 लाख पीवी उठा लिया। रॉयल्टी लाइन लगी हुई थी 1-1 महीने में रॉयल्टी वाली और 1-1 दिन में लेने वाली। लोगों ने 1-1 महीने में रॉयल्टी एमरान तक का बिजनेस किया। 1 महीने ऐसा वक्त आके जा चुका है। वापस आने वाला तो देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे अभी आज से में ना। अभी जैसे 50-100 रुपए 150-200 के प्रोडक्ट हैं। आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे कि प्रोडक्ट आएगा 1 लाख टीवी 50,000 टीवी 4 लाख 2 लाख 3 लाख टीवी के प्रोडक्ट आएंगे। आप 2-3 लोग को ज्वाइन कराओगे रॉयल्टी अचीवर। ठीक है ना। और उसी श्रृंखला में हमारा एक प्रोडक्ट आया है वो तुलसी। वो आपका 1 महीने रॉयल्टी वाला प्रोडक्ट। अगर इस पर काम किया तो 1 महीने की रॉयल्टी वाला प्रोडक्ट है तुलसी ना। इसमें पिछले 2-3 महीने में हमने 8 जो रॉयल्टियां निकाली है केवल तुलसी पेंट से, जिसमें 70% बिजनेस तुलसी पेंट का है। ऐसी करीबन 8-9 रॉयल्टी निकली है पिछले 3 महीने। पूरे इंडिया में देखेंगे बहुत सारी रॉयल्टी निकली है केवल तुलसी पेंट से। वो प्रोडक्ट आया है। अभी मेरे जैसे बातचीत चल रहा है पूरा उसका बड़ा सोसाइटी है उसमें कई टावर हैं उनको एक्सटीरियर पेंट अभी रिपेंट करना है। तो बातचीत हुई तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका बातचीत चल रहा है। तो बजट आया करीब 86 लाख का बजट है। उसमें पेंट लगेगा 50 लाख का 45 से 50 लाख का पेंट लगेगा। उसका पीवी आता है करीबन 30 लाख का। अगर वो डील डल हो गया 1 महीने में स्टार पर का बिजनेस कितने का स्टार। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट भविष्य में आने वाले हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह वही खड़ा हुआ है क्वेश्चन मार्क कि इसका फायदा किसको मिलेगा। किसको मिलेगा कितने साल 5 साल कितने साल 5 साल कितने साल 5 साल सिंपल। इसीलिए बोलता हूं ये बिजनेस वर्तमान का नहीं है, किसका है? वर्तमान में कितना आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने में नहीं रखता। भविष्य में कितना आएगा वो मायने रखता है। और एक खुशखबरी और बताओ, बताओ। अब आपसे में लखपति बनने का जमाना गया, करोड़पति बनने का भी जमाना गया, 2025 से आ रहा है आपसे बिजनेस में अरबपति बनने का जमाना। अरबपति, यहां पर से कितने लोग हैं जो अरबपति बनना नहीं चाहते हैं? वो हाथ उठाएंगे। सब लोग होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बस कोई बना दे। ना? किसी से पूछो पैसा चाहिए तो बोलेगा लाखों रुपया चाहिए, तो करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। चाहिए सबको, लेकिन क्या चाहिए? होम डिलीवरी। क्या ऐसा संभव है? संभव है? काम करना, काम करना, प्लान दिखाना, होम मीटिंग करना, हेल्थ कैंप करना, फील्ड वर्किंग करना। ये करोगे तो आएगा। तो बोलो काम करके कितने लोग अरबपति बनना चाहते हैं? मौत है। आपको एकदम सीधा रखो, देखो जिसका हाथ नहीं उठेगा उसका अरबपति बनना कैंसिल हो जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि ये हाथ नहीं, टावर है, टावर। और हम लोग जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, उसका सिग्नल इस टावर के द्वारा ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचता है और बाद में वो हमारे लिए परिस्थितियां बनाते हैं। ठीक है? इसलिए हाथ को सीधा रखो। थोड़ा भी अगर टेढ़ा किया तो पड़ोसी बन जाएगा। सीधा रखो, ठीक है? और ब्रह्मांड की शक्तियों को पूरा एंटीना खोल दो और ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करो, पूरे मन से, पूरे कॉन्सेंट्रेट करके। बोलो इधर यही पथ है, यही पथ है, यही पथ है, एक पोटे, एक पट्टे, तो इधर और इधर। बोलो इधर। अरबपति बनना चाहते हो? भगवान की शक्तियों को अपने मुट्ठी में कैद करो। बोलो सिग्नल फेल हो गया। फिर से अरबपति बनना चाहते हो? बोलो इधर।